¿Qué hubo? Bien. ¿Qué hubo? Hello and welcome. We're here at Greenwich University and Focus PK is on campus. With me is a personality that needs no introduction, Miss Atika Odo, who's the founder and chairperson of Focus PK. How are you, ma'am? I'm well. Well, first of all, thank you so much for coming here. And secondly, what a beautiful concept you're starting. That's really a need of the moment. What a platform it is. I believe it is a bridge for the students towards the industry. What was the thought process behind it? Well, firstly, thank you for having us here. And it's delightful that I'm here today at Greenwich University. And our main objective really is to find talent, bring it to trade, because the trade is also looking for new filmmakers, journalists, digital experts, animators, actors, and these are the places where we're going to find them. Jo log apni in is craft mein serious hoke invest kar rahe hain, taleem hasil kar rahe hain, seekh rahe hain, main samajhti hu ki un logon ko mauka milna chahiye ki wo hamari industry mein introduce ho. और उसमें यह है कि अक्सर ये होता है कि ताल्लुकात की वजह से लोगों को नौकरियाँ मिल जाती हैं हमारे ट्रेड में, लेकिन जो लोग एक्चुअल पढ़ रहे हैं, चार चार साल अपने यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं फिल्म मेकर बनने के लिए या जो भी, तो दे नीड टू एक्चुअली बी इंट्रोड्यूस्ड टू द ट्रेड बिकॉज दे आर सीरियसली इन्वेस्टिंग इन टू द क्राफ्ट. Right, exactly. और यही एक चीज़ जैसे इफ वी कंपेयर, वैसे तो मैं कंपैरिजन के अगेंस्ट हूँ, कंपेयर करना नहीं चाहिए, ओनली थिंग यू हैव टू कंपेयर विद इज योरसेल्फ. बट इफ वी लुक अराउंड द इंडस्ट्री इंडिया में, थाईलैंड में, द वे दे मेकिंग देयर एड, द वे दे मेकिंग देयर शॉर्ट फिल्म्स, वो एक फ्रेशनेस, वो एक क्रिएटिविटी वी लैक इन दैट. सो आई थिंक दैट बेसिकली व्हाट वी हैव टू कंसीडर इज दैट आवर नैरेटिव राइट नाउ इन पाकिस्तान इज डेटेड बिकॉज़ पीपल हु आर in ownership positions are dated, and I believe that they have to be giving and give space to young people, right, people with new ideas, people with updated ideas and concepts. So log wo log jo un kursiyon pe baithe hain jahan wo faisle karte hain ki ji maine kya dikhana hai kya nahi dikhana screen pe, unko apna dil khol ke na thoda jo youth hai uski baat sunni chahiye aur youth ko empower karke unki programming up lani chahiye. Absolutely. मैम एक चीज़ जो फोकस पी के है, फोकस स्टूडेंट्स अप्रोच करना चाहें, आप लोग कैंपस भी जा रहे हैं, सो वट इज द एग्जैक्ट प्रोसीजर एंड हाउ कैन स्टूडेंट अप्रोच? सो इफ यू गो ऑन टू वेबसाइट विच इज़ focuspk.net, यू कैन गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. हमारे जो वर्किंग पेपर्स होते हैं कॉन्फ्रेंसेस के, वो भी निकलते हैं, सेशंस के भी वर्किंग पेपर्स निकल के वहाँ हम डालते हैं, ताकि आप एक आर्काइवल हिस्ट्री वहाँ बन रही है ऑडियो में, विजुअल में भी एंड रिटन फॉर्म में भी. सो यू विल सी द आर्काइवल हिस्ट्री ऑन द वेबसाइट बिकॉज देन यू विल लर्न टू बी ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, ग्रेनेज में क्या बात हुई, उधर वीडियोज क्या है, इकरा में क्या बात हुई, यू नो एज वी ट्रैवल हाउ वेयर व्हाट द स्कूल्स आर सेइंग. तो एक तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, उधर वहाँ पे इंडस्ट्री लीडरशिप भी जो है, लीडर्स जो हैं, सीईओज हैं, टेलर डायरेक्टर्स, एवरीबडी, वो उनके भी साउंड बाइट्स आपको मिलेंगे कि ओवरऑल ओपिनियन मेकर्स क्या कह रहे हैं. द अदर थिंग इज कि हमने पिछले साल से एक शुरू किया फिल्म फेस्टिवल के मार्केट, फिल्म मार्केट शुरू किया, उसमें यह है कि हम इस साल भी अब फिल्म कलेक्ट करते जाएंगे वो फिर हमारी जूरी बनेगी, जूरी उसमें से फाइनल सिलेक्शन उठाएगी और फिर एंड ऑफ द ईयर हमारा एक कॉन्फ्रेंस होगा जहाँ पे हम फिल्म मार्केट को एक्टिवेट करके वो जो बच्चे जो सिलेक्ट हो चुके हैं उनकी हम फिल्म शोकेस करते हैं लाइक अ सिनेमा नाइट. ट्रेड बैठ के देखता है वो, वहाँ पे आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स, फिल्म मेकर्स, आपके मीडिया हाउसेस, वो सब बैठ के फिल्में देखते हैं कि भाई इन बच्चों में किस किस पे जो पोटेंशियल है इन पे हम पैसा लगा के इनको मौका देते कि फीचर फिल्म बनाए. सो वी आर ट्राइंग टू डेवलप अ सिनर्जी बिटवीन दीज टू जनरेशन राइट नाउ नीडिंग ईच अदर. That's a beautiful concept, and ma'am, I wish you all the best as a youngster, as a youth of Pakistan. I really support the cause that you have started, and I wish you all the best. Thank you so much, ma'am. It's a complete honor to be here with you. And as you heard, Focus PK has started a new thing that they're going on campus. Jaise ma'am ne bataya, ma'am, anything for your last word? Well, thank you, because this is really about you. And it's about young people. It's not. I'm only here to help bring people together. End of the day, the young people have to take this forward. If, like yourself, they believe that this has potential for their future,
then they have to own it, and they have to mobilize it, and they have to carry it forward and open more doors and get us, people like me, to get people that you want to meet to your door. Because like we've done today, we've got a panel of people in here who are experts, who are, you know, the top names in their fields. वो आपके दरवाजे तक आ रहे हैं आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस देने के लिए या कुछ अपना हिस्सा करने के लिए सो यू हैव टू पुश अस टू कम टू योर डोर एंड ब्रिंग सच इंडस्ट्री लीडर्स टू कम एंड मीट यू सो दैट यू गेट डिस्कवर्ड एज़ वेल As you heard, ma'am, Atika Hodo, the best part about this is that people from our industry who achieved it actually giving back to the students, giving back to the youngsters. Thank you so much, ma'am, once again. And we're here at Greenwich University. The conference of Focus PK is happening over here, and this will continue throughout Pakistan in different campuses. Stay tuned for more.